हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। ये बनारस ट्रिप आज पूरा एंड होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने घर जाने वाला हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है भाई, मत बोलो। और आपको तो पता ही है कि कल मेरा माइक पानी में डूब चुका है, इसीलिए इस वीडियो में वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह मैं पहुँच गया था गंगा नदी के पास, और जैसे कि कहते हैं ना, गंगा आए और नहाए नहीं तो क्या ही गंगा है। तो तुम्हारा भाई यही सोचकर गंगा पानी में चला गया, अपना कैमरा को स्टैंड में लगा कर। और देख रहे हो, बहुत ठंडा था भाई, हालत ख़राब हो गया। और बाई मिस्टेक ये अंकल जी मेरे वीडियो में आ गए, तो उन्हें थोड़ा ब्लर करना पड़ा, क्योंकि समझ लो ना, सिक्योरिटी इशू, उनको प्रॉब्लम हो सकता था अपने आप को उसे दिखाने से। फिर नहा वहा के वापस रूम आया, और रूम से फिर गंगा नदी की ओर जाने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में रिवाज है, जो भी गंगा के पास जाएगा वहाँ से पानी लेकर आएगा। अपने लाइफ का सबसे बड़ा सुकून छोड़कर जा रहा हूँ, जो सुकून था। हवा चल रहा, बोल के बाल ऐसा हो गया है, दिखा रहा हूँ मैं लास्ट टाइम। गंगा फॉर द लास्ट टाइम, जैसे देखे मुझे पानी लेकर जाना है घर के लिए, पर लास्ट टाइम है। माँ गंगा से दूर, अब शिव जी से दूर, एकदम लास्ट मैं पानी भी लेकर आ गया, थक गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। आज पहली बार स्टेयर्स से, इसीलिए हाँपा हाँपा लग रहा हूँ, पूरा लास्ट। ये व्यू को बहुत मिस करूँगा। अगर आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन और नेक्स्ट प्लानिंग बहुत अच्छे जगह का कोई एक मंदिर करूँगा। हर किसी को घर जाने की खुशी है, पर मुझे नहीं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस गंगे मैया को अपने आँखों में और कैमरे में बसा लूँ। चलो, अब सीधे रूम आ गया मैं वहाँ से, और मन नहीं किया मुझे वीडियो बनाने का। और रूम आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ईयरफोन कनेक्ट है मोबाइल से, पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अब मैं सारा सामान अपना पैक कर चुका हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अब इस रूम को छोड़ा जाए, रूम को चेकआउट किया जाए, और सीधे रास्तों में मैं आता हूँ। पूरा बनारस कैंट तक जाना है, वाराणसी कैंट, बनारस कैंट बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बनारस ही उसका नाम है, वाराणसी तो हिंदू के लिए नाम है। देखो टम टम लिखा नहीं, इसलिए टमटम कंपनी बनाती है। कजिन मोटर, कजिन मोटर, पूरा रास्ता बंद हो गया, निकल जाइए भैया, क्या ही जाम लगता है यहाँ पर। देखो यूपी गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ चार्जिंग पॉइंट, हाँ मैं देखा वो वाला, गाड़ी बहुत सही है वाला, मगर इस फाइबर दिया है ना, यही डर है इसमें। किस कौन सा फाइबर? जो फाइबर है, नहीं नहीं है? ये है, है? हाँ मैं बैठा पूरा 2 दिन इसमें घूमा हूँ। ये पूरा गवर्नमेंट चार्जिंग पॉइंट है, देखो यहाँ पर ऑटो चार्ज हो रहा है, देखो वायर्ड है ना, वायर इलेक्ट्रिक ऑटो चार्जिंग पॉइंट है। 100 रुपये दो और चार्ज करते रहो दिन भर, मस्त है ना। आई लव वाराणसी। और इस जगह में मुझे पता चला कि साउंड बहुत तेज़ तेज़ था, कि मेरा वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फिर मैं वॉइस ओवर देने लगा, क्योंकि आप लोगों को बताना भी तो था ना मेरी जान। और ये बहुत गंदा वाला ट्रैफिक जाम था। और हाँ, जहाँ मेरा वॉइस होगा वहाँ वाला तो क्लिप डालूँगा ही मैं। तो कलिया हो गया, और पूरा देखो ऊपर फ्लाईओवर, बगल में रोड, और बीच में KFC बर्गर लिखा हुआ है, KFC बर्गर लिखा हुआ है।
इतना हॉकिंग में सुनाई दे रहा है कि नहीं क्या पता, मैं सुन के फिर ये अपलोड करूँगा। बहुत ज़्यादा हॉकिंग। ये भैया बर्गर बना रहे हैं, देख रहे हो दोनों तरफ से पब्लिक, ये देखो बस जा रही है, दोनों तरफ भीड़ है, दोनों तरफ। ऊपर लिखा है ताज़ा बेस का पिज्जा, मशीन वशीन लगा के 40-45 हज़ार रुपया खर्चा होता है बस ये रोड के किनारे खोलने के लिए। क्या ही ढंग से बर्गर पैक कर दिए हैं, छोटा सा सेटअप है लेकिन बहुत ऑसम सेटअप है। सैंडविच सैंडविच भी है। सी शराब की दुकान खतरनाक, साला खाने की तलाश में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। खराब हो गया जब मैं देसी शराब वाले दुकान को देखा, जो स्मेल आ रहा था ना उससे, उफ भयंकर। अंग्रेजी शराब तो फिर भी ठीक ही स्मेल आता है, देसी शराब तो बहुत ही खतरनाक। खाने का जोश में ढूंढ रहा हूँ मैं खाना, भूख लग रहा है, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। पुलाव उलाव टाइप कुछ मिल जाए पर मिल ही नहीं रहा है। पता चला यहाँ वेट करके मतलब वजन करके खाना देते हैं। बिरयानी लिया हूँ वेज वाली, अब जैसा भी लगे ट्रेन का सफ़र काटना पड़ेगा इसी से। बस अब स्टेशन की ओर बढ़ा जाए, पीछे ऑटो ऑटो दिख रहा है। वहाँ एक दुकान पे मैं एग रोल बोला, भाई एग रोल कर दे, तो दुकान का एक बोर्ड इतना गंदा तरह से बाहर की ओर निकला है। छोटा सा दुकान है और इतना गंदा तरह से बाहर निकला हुआ है, मुंडी पे चोट आ गया। समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो में, बहुत तेज लगा उसके दुकान से। बेवकूफ़ हो जैसा काम करते हैं लोग, एकदम बेवकूफ़ था वो, ना सॉरी बोला ना कुछ, बेवकूफ़। वापस से वाराणसी जंक्शन, पहले मैं बनारस बोल दिया था, एक्चुअल में ये वाराणसी जंक्शन है। और मेरा बैग लॉकर रूम से लेकर मैं अब अंदर ही रहूँगा, मिलता हूँ मैं आपको ट्रेन के पास। ये हॉर्न का वेट कर रहा था मैं, हर जगह खाली नॉइस पोल्यूशन, स्टेशन ही इतना बड़ा है ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर का स्टेशन है। वहाँ उर्दू में लिखा है वाराणसी। मस्त है ना, गजब, हर जगह ऐसा पोर्ट्रेट बना हुआ है। ये बिलबोर्ड है हर जगह, वो वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। गजब वाराणसी को बाय रुमक्कड़ शुभम का। काशी, काशी में एंटर होते हुए और गाड़ी है पूरे 1 घंटे लेट। 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद ये ट्रेन काशी से निकल चुकी थी अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए। और आपको बता दूं मैं ये घाट मिस कर गया, ये घाट है नमो घाट, यहाँ जाना ही मिस हो गया यार, टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। और बहुत ही प्यारा था ये नमो घाट, देख रहे हो यहाँ पे भी बहुत पब्लिक है। और ये लास्ट साइड है घाटों का जैसा मुझे पता चला है अभी तक, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इतना सुंदर था ना ये नज़ारा मत पूछो। देख रहे हो क्या मस्त चिड़िया सब घेर दिए हैं भाई लोग को। और इस जगह से जाने का तो मन नहीं कर रहा था, मगर ये सनसेट को देखते देखते दिल मना रहा था कि अब घर जाना पड़ेगा। घर कॉलिंग नहीं था पर जाना तो पड़ेगा ना। आपको लग रहा होगा कि मैं वॉइस ओवर ही दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड था इसी के अंदर भी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, मैं जल्दी कंप्लेन नहीं करता क्योंकि हर दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी है, मगर कुछ लोगों का बिहेवियर देखना हो ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इंक्वायरी में वाराणसी स्टेशन के इंक्वायरी में हुआ ये कि मैं जाकर पूछा कि भाई ट्रेन कितने बजे आएगा, तो वो बोले 15 मिनट। फिर नेक्स्ट टाइम पूछा 15 मिनट, उसके बाद जब मैं जाके पूछा ना तो बोला तुम कितना बार आके पूछेगा। भाई आदमी यहाँ परेशान है, वहाँ बहुत बूढ़े लोग थे, इस ट्रेन में बहुत बूढ़े लोग हैं,
उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम ही तो लेगा, रेलवे में काम कर रहे हो, जिम्मेदारी तो लो एटलीस्ट। बस यही कहना था, बाकी और कुछ नहीं। और हाँ, ये सुबह का वीडियो है। ये वीडियो मैं रांची स्टेशन क्रॉस होने के बाद मैं बना रहा था, क्योंकि कुछ अंकल लोगों ने आए रेलवे के स्टाफ, उनको बैठना था, तो मैं बोला चलो ठीक है उठ जाते हैं। जैसे तैसे करके मैं उठ गया, मुंह धोया, अजीब सा लुक है मेरा अभी फिलहाल, मगर इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और ट्रेन महज 1 घंटे लेट चल रही थी, मगर फिर थोड़ी ही देर बाद ये नुआगांव और बानो वगैरह स्टेशन में रुक रुक के 2 घंटे लेट हो गई। देख रहे हो लोग कितने परेशान हैं, बाहर बाहर निकल कर बैठे हुए हैं, बहुत ही गंदा वाला परेशान है, क्योंकि यहाँ अभी एक और लाइन का काम चल रहा है, इसीलिए लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। वेलकम टू राउरकेला, आपण मालक स्वागत छे राउरकेला स्टेशन रो। वापस आ गए भाई, घर वापस आ गए। ये रहा राउरकेला जंक्शन, जंक्शन इसीलिए यहाँ से 2 लाइन कटती है, झारखंड की और दूसरी भी झारखंड की और, इसीलिए भीड़ भी बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो आगे लगा बाबू, आगे आगे आगे। राउरकेला स्टेशन, पान खा खा के दांत पीला कर लिया हूँ, ज़्यादा ही बनारस वाला यूपी वाला लुक ले लिया था, अब फिर से वाइट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या खुशी देखो, चलो ऑटो पकड़ के घर निकला जाए। घर से जाने का खुशी एक तरफ, घर वापस आने का खुशी एक तरफ, लेकिन घूम कर बहुत मजा आया। कुछ ही पल में मैं अपने घर में रहूंगा। फाइनली जिस जगह से शुरुआत किया था वही जगह वापस आ चुका हूं मैं। खुशी तो है, एक ट्रिप था पूरा का पूरा मेरा प्लानिंग के हिसाब से, अब ट्रिप खत्म हो चुका है। तो आप सभी को शॉर्ट वीडियो मिलता रहेगा, मिनी व्लॉग टाइप्स, पर मैं आपको बता दूं कि जहां शुरुआत किए थे वहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को। यहीं पे शुरुआत था और यहीं पे अंत। आप लोगों इस सीरीज को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो यार, इससे मेरा बहुत हेल्प होगा। और कुछ भी अगर बुरा लगे तो कमेंट में बताना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।